चरखी दादरी में एक ऐसा स्कूल जो बच्चों के भविष्य को निखारने का काम कर रहा है, चाहे शिक्षा का ही क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे और किसी दूसरी एक्टिविटी का क्षेत्र हो, तो उन सभी क्षेत्रों में जो बेहतरीन वर्क कर रहा है एक ऐसा स्कूल जो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चरखी दादरी के APS सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, और APS सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगातार बच्चों को काफ़ी अच्छे अच्छे मौके देता रहता है, चाहे वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के तौर पर हो, चाहे किसी कंपटीशन के नाम पर हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन के नाम पर हो, तो तमाम वो चीज़ें ये स्कूल लगातार करता रहता है। आज एक बार फिर से हम यहाँ पर APS स्कूल में मौजूद हैं और स्मृति 7.0 जो प्रोग्राम है उसमें हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि जो स्कूल के डायरेक्टर हैं नवीन जी, उनकी मदर की स्मृति में ये मनाया जाता है और लगातार 7 साल से लगातार ये मनाया जा रहा है। तो आज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन APS स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे उसमें हम बात करें छोटे छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन की, ओल्ड इज़ गोल्ड के नाम पर जो बच्चों का कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर देखा जा रहा है, तो वहीं बच्चों को डिक्लेमेशन के तौर पर उनसे देखा जा रहा है कि क्या वो किसी भी स्टेज पर खड़े होकर के अपनी जो भावनाएं हैं वो किसी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं या नहीं, जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, कहीं पर कैनवास पर जो ब्रश के स्ट्रोक्स जो बच्चे लगा रहे हैं उनमें बच्चों की वो कलाकृतियाँ देखी जा सकती हैं, वेस्ट से शानदार मटेरियल बनाने की कला को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो वहीं एक क्रैफेथन के नाम से भी यहाँ पर एक नया प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया, जिसमें कुछ पिक्चर्स दिखा करके उनके बारे में जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बतानी हैं, तो वो जो तमाम जो चीज़ें हैं वो ये स्कूल जो है वो बेहतरीन तरीके से बच्चों से करवा रहा है। और ये जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है कहीं ना कहीं बच्चों को एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिससे कि वो अपनी जो प्रतिभा है उसको कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। जहाँ एक तरफ APS स्कूल बच्चों से उनके शिक्षा और कल्चरल एक्टिविटी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही शानदार यहाँ पर जो पहल है वो APS स्कूल के द्वारा की गई है। आप छोटा सा पेड़ आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारे रंग बिरंगे कागज़ इसके ऊपर आप लगे हुए देख पा रहे होंगे, लेकिन ये कागज़ नहीं है। अगर आप इनको नज़दीक से देखेंगे तो इन कागज़ों के ऊपर, इन तमाम लीव्स के ऊपर, क्योंकि एक तरह से पेड़ है और उसके ऊपर ये लीव्स लगाए गए हैं और भगवान से कुछ अपनी मनोकामनाएं मांगी गई हैं, और ये एक तरह से विश ट्री है, और इस विश ट्री के ऊपर सभी जो बच्चे यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं उनके द्वारा अपनी अपनी विश लिखी गई हैं। तो तमाम बच्चों ने अलग अलग तरह की यहाँ पर विश लिखी हुई हैं, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा नज़दीक आकर के यहाँ पर दिखा दीजिए किस किस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें हम आपको पढ़ करके नहीं बता पाएंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप यहां पर पढ़ पाएंगे। और तमाम बच्चों ने अपनी जो विशेज हैं वो यहां पर बाकायदा नोट की हैं, और जाहिर सी बात है जब बच्चा एक कंपटीशन में पहुंचता है तो सबसे बड़ी विश उसकी होती है कि वो कंपटीशन जीते, उस कंपटीशन में वो बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करे। तो आज यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार का शानदार प्रदर्शन यहां स्टेज के माध्यम से हो रहा है, किस प्रकार से शानदार ब्रश स्ट्रोक्स लगाए जा रहे हैं, कहीं कैनवास पर तो कहीं सिंपल एक ड्राइंग पेज पर, तो कहीं पर वेस्ट से किस प्रकार से जो शानदार कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, तो आप भी देखिए कुछ झलकियां। एक तरफ स्टेज पे इवेंट चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, जरा जानते हैं कि इस इंटर स्कूल कंपटीशन में जब ये पहुंचे हैं तो इनको कैसा लग रहा है। बेटा कैसा लगा है यहाँ पे आके? हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। और कंपटीशन कैसा है? अच्छा। टफ है क्या? नहीं, इजी है। इजी है? हाँ। तो मेडल जीतोगे? हाँ। फर्स्ट पोजीशन? हाँ।
पक्का है? हाँ। क्या लगता है बेटा, जीतोगे? पूरी प्रैक्टिस की है? यस। किसने कराई? सर ने कराई है। अच्छा, तो अच्छे से करके आए हो? हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है बेटे, जीतोगे? यस। ओके, ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और तमाम बच्चे जो हैं अपनी पूरी मेहनत लगा करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इनसे ही हम जान रहे हैं कि इनको कैसा लग रहा है इवेंट, क्या इनके मन में चल रहा है। और सर हमारे साथ हैं, सर लेकर के आए हैं बच्चों को, तो कैसा लग रहा है इवेंट आप भी क्योंकि देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराने गानों पर हम तो मतलब फर्स्ट टाइम ही लेके आए बच्चे को, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा हमें बच्चों को ले आके। हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया जी, तो बहुत अच्छा था, एवरीथिंग परफेक्ट। सुन सकते हैं आप कि सबको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर और भी टीमें आ रही हैं, जरा इनसे हम जरा बात करके देखेंगे कि कौन कौन सी टीमें, कौन सी टीम है बेटा? जेलम। अच्छा, और कौन से स्कूल से आए हो आप? आदर्श। अच्छा, आदर्श स्कूल से ही, मतलब इसी APS के ही दूसरे स्कूल से आए हैं? हाँ। है? और कंपटीशन करने आ गए इनके साथ? यस सर। तो जीतोगे क्या? यस सर। पक्का? यस सर। वाओ, देखो बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो भाई। और कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे बेटे? 4 दिन से बस। यस सर। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो? यस सर। आपने देखा होगा शायद जब क्लिपिंग हम दिखा रहे थे, तो इन बच्चों की जो क्लिपिंग थी वो उन 70s के गानों के ऊपर जबरदस्त इन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। यहाँ पर भी और भी बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा? तनिष्का। कौन से स्कूल से हो? APS। अच्छा, अभी तो APS के ही यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं ना, तो क्या करने वाले हो अब की बार? मेडल अपना ही होगा क्या? अपना ही होगा। या कोई और लेके जाएगा? कोई और नहीं लेके जाए। अच्छा, पक्का है? ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, और किसने तैयारी करवाई? अजय सर ने। अच्छा, अजय जी हम जानते हैं अजय को, भाई को, और काफ़ी अच्छे तरीके से खिदादरी में, बड़ा बढ़िया नाम भी है इनका। तो अजय, मैं देखता हूँ काफ़ी जगहों पर आप पहुँचते हो और बच्चों की तैयारी कराते हो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ, और 70s के गानों पर, ये इतना गजब का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसे दादरी में ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, ताकि बच्चों को पुराने ज़माने में कैसे गाने बनते थे और क्या होता था उनके बारे में पता लगे, और समय समय पर ये कॉम्पिटिशन करवाते रहना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। APS का ये जो इवेंट है गजब का है? हाँ, बहुत अच्छा था सर, दोनों स्कूलों ने बहुत अच्छा किया, और 4 दिन में इन्होंने बहुत मन लगा के मेहनत की है, इनका फल इन्हें मिलेगा। बिल्कुल, फल मिलेगा, और यहाँ पर मैं गजब की बात ये मान रहा हूँ कि 70s के गानों पे ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और इतना इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इनकी ड्रेसेस को देखो, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेसेस में, और गजब का कॉम्बिनेशन 70s और हमारे आज के जैनजी बच्चे, जैनजी में और यहाँ पर भी हैं। बेटा कौन से स्कूल से आए हो? हिंदू मॉडल स्कूल। और जीतोगे या क्या करने वाले हो? क्या हुआ, डाउट है जीतने में? नो सर। नहीं जीतने गए बेटा? जीतोगे नहीं? यस सर। जीतो चलो कंफ्यूजन है। अच्छा, कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे बेटा? सर 28 दिसंबर से। 28 नवंबर नवंबर से है ना। अच्छा, अच्छा लगा यहाँ पे आके? यस सर। अच्छा, APS स्कूल ने जो इवेंट किया है, तो इसमें कैसा लग रहा है कि ये जब ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए क्या? यस सर। मजा आता है? यस सर। कम्पीट करके? यस सर। दूसरे स्कूलों के साथ है ना? यस सर जी, दूसरे स्कूलों के साथ कम्पीट करके मज़ा आता है। और यहाँ पर भी इनके सर भी होंगे शायद, पवन भाई हैं। पवन भाई आप लेके आए इनको? हाँ जी, हाँ जी सर। तो कैसा रहा इवेंट? मुझे तो बहुत मज़ा आया सर, बच्चों भी बहुत मज़ा आया, बहुत बच्चे इन्जॉय भी कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे इवेंट्स ना हर स्कूल करवाए और हम सब मिल के भी करवाएं। मतलब APS स्कूल एक गजब का इवेंट है। इवेंट बहुत ही अच्छा, गजब का इवेंट करवाया है। मैं देख पा रहा हूँ कि चरखी दादरी में इस तरह के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बहुत कम होते हैं। हाँ, और नवीन सर हैं, बहुत पहले से करवा रहे हैं और हर साल करवाते हैं। बच्चे इस दिन का बहुत वेट करते हैं कि इस दिन कॉम्पिटिशन होने वाला। हम अलग अलग स्कूल के बच्चों में टैलेंट भी देखते हैं सर, हम डांस कोरियोग्राफर अलग स्कूलों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना सब नवीन सर की वजह से हम सभी बच्चों को देख लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों टैलेंट बहुत है, दादरी के अंदर टैलेंट बहुत है, और निखारने का काम APS कर रहा है। APS कर रहा है जी, APS कर रहा है। और कुछ बच्चे और भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे शायद लग रहा है किसी और स्कूल के बच्चे होंगे। यहाँ पर जरा पूछते हैं, बेटा कौन से स्कूल से आए हो? APS
स्कूल सर। एपीजे स्कूल से। और कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? सर आई पार्टिसिपेट इन इकोज ऑफ एलोक्वेंस। ओके, मतलब डिक्लेमेशन। या एंड गॉट सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन, वाओ, मेडल विजेता भी मिल गए हैं भाई हमें, विनर्स मिल गए हैं। मतलब तो कैसा लगा बेटा इवेंट? एंजॉयिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस एट स्टार्टिंग बट आफ्टर डिलीवरिंग इट वाज अ फन एंड द जजेस वर आल्सो सो ओपन विद अस एंड फ्रेंडली। और देखो कितने शानदार तरीके से बच्चे ना अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार इधर आ जाइए, जो पंडाल है ये इस वक्त बच्चों से खचाखच भरा हुआ है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार दोनों तीनों तरफ है ना यहाँ पर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो अलग अलग स्कूलों से, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि लगभग 18 स्कूल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 18 स्कूलों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। तो ज़रा यहाँ पर मैम भी हैं, ज़रा एपी स्कूल से ही हैं। मैम कैसा लग रहा है पूरा इवेंट हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा भी हमारे पास पार्टिसिपेशन है। आप देख ही सकते हो, हमारी अरेंजमेंट भी आप देख सकते हो, बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो यहाँ से खुश होके जाएंगे। हमारा आपसे बिल्कुल, मैं देख पा रहा था कि आप वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी दिखाई दे रहे थे, ठीक है, तो बच्चे जब आ रहे थे रजिस्ट्रेशन तो बहुत सुंदर तैयार होके आए बच्चे, बहुत हमें देख के भी खुशी हुई है और पार्टिसिपेशन जो था उनका वो बहुत ज़्यादा बेस्ट था। जी बिल्कुल, और हमने आप लोगों को दिखाया विश्री भी बनाया गया है यहाँ पे और उस पर बच्चों ने अपनी अपनी विशेज लिखी हैं। तो जरा यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं, बेटा आज विश लिखी है अपने? यस सर। क्या लिखा? सर कि हम जीत जाएं कंपटीशन में। सच्ची में? यस सर। तो जीत रहे हो सर? रिजल्ट अभी अनाउंस होगा। रिजल्ट अभी अनाउंस हो रहा है, कुछ चीज़ों का हो चुका, उसमें तो आई है पोजीशन है। यस सर। जी जीत जाएं। ये देखिए बच्चों का, मैं पहले आपको बता रहा था, बच्चे चाहते हैं कि वो जीतें, तो वो एक विश उनकी वहाँ पर विश ट्री पे भी हमने आप लोगों को दिखाई थी, तो वो विश ट्री भी है। और यहाँ पर एक बार उधर दिखा दीजिए, श्रीमती भतेरी देवी के याद में ये स्मृति दिवस मनाया जाता है और अब 7वां साल यहाँ पर हो चुका है और 7 साल से लगातार जो एपीएस स्कूल है वो इस इवेंट को करता जा रहा है और ये इवेंट हर साल नए झंडे गाड़ रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ दिए हैं। एपीएस स्कूल का इवेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, एक स्कूल का सक्सेसफुल इवेंट तभी होता है जब स्कूल के बच्चे जो हैं वो उसमें पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करें। काफ़ी सारे वॉलंटियर्स के तौर पर बच्चे काम करते हैं, कुछ स्टेज हैंडल करते हैं, कुछ बच्चों को मेंटेन करते हैं, कुछ और दूसरी चीज़ों में कहीं ना कहीं साथ देते हैं। तो वो कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर, जानते हैं इनका भी आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कैसा रहा है बेटा आज का एक्सपीरियंस? सर अच्छा रहा है। और पूरा इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो इवेंट कैसा था, कैसे बच्चे आए थे दूसरे स्कूलों से, तो उनसे क्या कुछ सीखने को मिला है आज? सर बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे स्कूल्स भी आए थे और सर बहुत आज वो बहुत अच्छी आज वो भी एजुकेशन भी हुई है स्कूल में और सर प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। मतलब इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो मज़ा आता है जब दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं उनके साथ कम्पीट करने को मिलता है। आता है? आता है जी। आपको क्या लगता है सर? हमें तो मज़ा आता है। मज़ा आता है? यस सर। लगता नहीं है कि डर कि कहीं ये बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतर ना हो? नो सर। नहीं? नो सर। और क्योंकि आज भी आप लोगों के स्कूल ने भी बड़े सारे इवेंट में मेडल जीते हैं ना? यस सर। तो मतलब कंपटीशन टफ देते हुए? यस सर। सर इससे पता चलता है कि हमारा इस किस लेवल पे हम और बच्चों से कंपेयर करके हमें ये पता चलता है कि उनका लेवल और हमारा लेवल किस स्टडी के बेस पे हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना हम नहीं कर रहे, कितना कर रहे हैं, ये पता चलता है हमें। तो जब बच्चे आते हैं तो सीखने को भी काफ़ी मिल जाता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। आपने क्या कुछ सीख लिया आज? सर मैंने भी टेस्ट और ट्रेजर में पार्टिसिपेट किया था पर जैसे कि कंपटीशन बहुत टफ था इस वजह से पोजीशन नहीं आ पाई, वरना अब बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। लेकिन पार्टिसिपेट करना भी बड़ा एक काम है, पार्टिसिपेट किसी से होता नहीं है ना। हाँ पार्टिसिपेट करना ही बहुत मुश्किल का काम होता है, बच्चा कई बार हिचक जाता है। जी तो यहाँ पर सुन सकते हो ये बच्चे जो हैं काफ़ी बेहतरीन, इन्होंने भी अपनी हेल्प की है। कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था तो कोई एज एन एंकर काम कर रहा था, कोई वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा था, तो काफ़ी बेहतरीन है। और आज का शायद अगर सक्सेसफुल इवेंट गया है तो शायद इन बच्चों का भी बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए अब एक इवेंट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें ओवरऑल जो विनर है वो मिल गया है। रनिंग ट्रॉफी जो है वो आज कोसी टीम को गई है और कोसी टीम कौन से स्कूल की है? बेस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी और काफ़ी सारे इवेंट्स में इन्होंने ये यहाँ पर जो इवेंट्स में
इनाम जीते हैं, आप ये देख सकते हैं, और एक दो नहीं काफ़ी सारे हैं ये। और इधर भी आप देखें ये छोटे छोटे बच्चे, हाँ जी बेटा ट्रॉफी जीत ली। हाँ पक्का? हाँ। तो इतने लो लो क्यों फील कर रहे हो? जोश दिखाओ थोड़ा सा। ट्रॉफी जीती? हाँ। यस हाँ जी बेटा, लगा था ट्रॉफी जीतोगे? यस सर ऑफ कोर्स, वी वर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट वी वर हियर टू विन एंड वी वन एट लास्ट। जी, और कौन कौन से इवेंट्स में आप लोगों ने बाकी में जीता है? सर हमने साइंस ग्रैफिटॉन में फर्स्ट, स्पीच डेक्लेमेशन में सेकंड, और डांस में फर्स्ट, फैशन फेस्टा में सेकंड, एंड कैनवास पेंटिंग में भी सेकंड। वाओ, ये होता है भैया देखो बच्चों का कॉन्फिडेंस। और मैम इनके साथ, मैम इतने हुनहार बच्चों को लेकर के आए हैं और इंटर स्कूल कंपटीशन में धमाल मचा दिया है। यस सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन सबको प्रिपेयर किया, क्योंकि हमें सैटरडे वो भी बच्चों की छुट्टी के बाद ही पता लगा कि प्रोग्राम है और हमने जाना है, लेकिन इन बच्चों ने पूरी हमारी हेल्प की है, पूरा हमारा साथ दिया है और आज हम बहुत 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 खुश हैं। वी आर सो हैप्पी टुडे। बिल्कुल, तो एपीएस स्कूल के द्वारा जैसे ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है, मैम क्या कहेंगे इसके लेकर के, क्या अच्छा कार्यक्रम है, स्कूल ऐसे कराते रहें? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। अब संडे को हमारे स्कूल में भी है, बेस मॉडल में सेम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है। हाँ जी सर जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि बच्चों का जो प्रतिभा जो थी वो बाकायदा यहाँ पर निखर के आई है, और सभी बच्चों ने देखो यहाँ पर देखिए सभी के हाथों में ट्रॉफियाँ दिखाई देंगी आपको, और सबसे बड़ी बात है कि जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो यहाँ पर कोसी टीम ने जीत ली है, तो ये गजब की बात है। खुश हो बेटा? यस सर बहुत ज़्यादा। खुश हो ना? यस सर जी खुश हैं। और अभी जो इवेंट है वो कम्प्लीट हो चुका है, ज़रा नवीन जी से बात करेंगे कैसा रहा, कैसे उनको लगता है और आगे क्या करने वाले हैं। अब हमारे साथ में एपीएस स्कूल के डायरेक्टर सर हैं नवीन जी, हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़रा इन्हीं से बात करते हैं। सर एक और शानदार सक्सेसफुल इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि स्कूल जो है बच्चों को भविष्य के लिए निखार रहा है, चाहे शिक्षा में हो चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में हो, तो आज का भी मैं देख पा रहा हूँ ज़बरदस्त इवेंट रहा है। क्या प्रिपरेशन थी, क्या सोच के साथ आप ये लेकर के आए थे, क्योंकि आपके बारे में देख रहा हूँ कुछ नया भी था, शायद ग्राफोथोन करके कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने जैसे कहा कि कुछ नया भी था, कि अब की बार हमारा ये साइंस ग्रैफेथन का इवेंट था, इसमें बच्चे को किसी टॉपिक, चार टॉपिक थे हमारे जो कि करंट टॉपिक थे, तो बच्चों को किसी एक बच्चे को पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड बोलना था, तो उसमें बहुत ही अच्छा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ नया था, और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली ये टॉपिक हमने लिया था, और सभी जो टीचर्स थे और बाकी स्कूलों के प्रिंसिपल थे उन्होंने हमने उनसे डिस्कस किया था कि क्या कुछ ऐड ऑन करें। हम कोशिश रखते हैं कि ये जो इवेंट हमारा होता है हर साल श्रीमती बतेरी देवी मेमोरियल, जो हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करवाते हैं उनकी स्मृति में, तो हर साल सोचते हैं कि कुछ ना कुछ एक या दो इवेंट ऐसे डालें जो कि पहले ना हो, और अभी जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बच्चों को उसकी नॉलेज मिले। जी बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ एक नया माइलस्टोन हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। जी जी सर, वो जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो भी गाइडलाइंस थी हमने उसको टेक केयर किया और बच्चों का इवेंट रख दिया एक्स्ट्रा। इसके साथ साथ ये आप देखते हो कि ओल्ड इज गोल्ड का जो हमारा जो इवेंट है वो एक ऐसा है, वो सदाबहार है, वो जब से स्टार्ट किया है वो तब से कंटिन्यू। बिल्कुल सर, आज 70s के उन गानों पे बच्चों की वो कमाल की प्रतिभा देखने को मिली है, मज़ा आ गया। मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, लगभग 18 स्कूल यहाँ पर पहुँचे थे, 18 स्कूल का रिस्पॉन्स कैसा रहा है सर? सर उनका बड़ा 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 पॉजिटिव रहता है उनका हरदम ही, और मैं तो सभी मैनेजमेंट के और प्रिंसिपल्स का और जो एस्कॉर्ट टीचर्स थे उनका थैंक यू करूँगा सभी स्कूल्स का, कि वो बड़े चाव से और बच्चों को बड़े तैयारी के साथ वो लेके आए थे। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन रहा हर साल की बात ही, और ये लगातार उन्होंने जो विश्वास बनाया है स्कूल में वो उसका उनका लगातार विश्वास बना रहेगा। मैं आगे के लिए भी अश्योर करता हूँ कि बच्चों को हम पूरा मान सम्मान और पूरा बच्चों को प्रतिभा निखारने के लिए, और जो जजमेंट पैनल हमारा आपने देखा होगा कि सिर्फ दादरी से ना सही बाहर से भी था, और हमने कोशिश की थी कि कॉलेज कैडर के जो कम से कम जजमेंट पैनल हो ताकि स्कूली बच्चों को हम अच्छे से जज कर पाए। जी बिल्कुल, तो आप लोगों ने देखा कि बड़ा ही शानदार इवेंट रहा है, और यहाँ पर इस शानदार इवेंट को होस्ट करने की जिम्मेदारी ये पूरा स्टाफ जो आप पीछे स्टेज पर भी देख पा रहे हैं, और नवीन जी अभी यहाँ पर हमारे साथ हैं, और नवीन जी हम आपको भी कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि जो इतना शानदार इवेंट आप हर साल करा रहे हो, शायद 7वां इवेंट अब की बार था, तो आई होप कि आगे भी ऐसा ही सिलसिला चलता है। इवेंट था और कंटिन्यू हमारा है प्रयास कि हम अच्छा रखेंगे, क्योंकि करिकुलम का एक पार्ट है साल का, और इसमें सभी स्कूलों
स्कूलों के बच्चे हैं अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एकेडमिक के साथ साथ एकेडमिक से रिलेटेड ही कुछ कल्चरल फेस्ट भी हमारा ही हो जाता है। जी बिल्कुल, तो लगातार हम भी आप तक इस तरह की सूचनाएं हमेशा पहुंचाते रहते हैं। आप भी बने रहिएगा चैनल के साथ, और जाहिर सी बात है इस तरह के इवेंट्स हम तो चाहेंगे कि जो तमाम जो दूसरे स्कूल हैं वो भी करें, ना कहीं कराएं। तो अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश झा का VTS लाइव न्यूज़ के लिए।